वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मैजिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। मैंने जैसा सीरीज शुरू किया, 5-5-10 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, लेकिन मैंने दो टेस्ट के रूप में आपको दे दिया। 5 क्वेश्चंस पहले स्क्रीन पर आएंगे, मैं नहीं रुकूंगा, थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, आप पॉज करके उस पर टेस्ट दे दीजिएगा। फिर 5 क्वेश्चन का एक और सीरीज आएगा, वो भी 2 मिनट्स के लिए रहेंगे, आप पॉज करके टेस्ट दे दीजिएगा। इसके बाद मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा, व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, और इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले, ये अमर सर हिंदी यूट्यूब चैनल है www.amarsir.in पर जो डिफरेंट कोर्सेस हैं उनमें SBI क्लर्क के लिए और SBI PO के लिए है। वीडियो कोर्सेस हैं, 1 डे इन ए वीक, मंडे को लाइव डाउट क्लास होंगे, और PDF जो रहेगा वो सॉल्व और प्रैक्टिस दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 5 क्वेश्चन का सेट है, इसमें ऑप्शंस हैं, आप इनको पॉज करके टेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन का ये दूसरा सेट है, इसको भी दीजिए, ट्राई कीजिएगा 2 मिनट्स में सॉल्व करने का। और इसके बाद फिर इनका आंसर दिया हुआ है, वो आप देख लेंगे, ये आंसर दिया हुआ है। और अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं एक एक करके कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा इनको सॉल्व करने का, ठीक है। आइए तो सबसे पहले देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ओवरऑल लुक होना चाहिए जिसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। आप देखिए, दिखता है, क्या दिखता है, इक्वल साइन यहाँ है, चीज़ें यहाँ आएंगी, हंड्रेड्स के रूप में देखने का है। सबसे पहले जो अच्छा लग रहा है वो है, क्वेश्चन लिखूँ, 7, 8, 55 minus 40, 42, 36 plus 388 is equal to what plus 3974। यह है, हमें दिखता है कि 39, 42, 81 एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। हंड्रेड्स का हमने फैसला कर दिया, 74 को यहाँ से हटा दिया तो 14 बचा, लेस। अब 36 माइनस है, 55 प्लस है, और 14 यहाँ है। जहाँ से चाहे, जैसे चाहे आप कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 14 को इसमें से लेस कर दीजिए तो 22 ना बचे, और 22 को लेस कीजिए तो 33 ना बचे, सी इज द आंसर। बोलिए, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 48% ऑफ 555 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 350 इज इक्वल टू 399। 48% ऑफ 505, देखिए इसको, देखिए इसे अच्छा लगता है कि हम ये कर दें कि 12% ऑफ 12% बोले और 4 उधर दे दिया तो 2100 प्लस व्हाट परसेंट, देखिए प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 350
इज इक्वल टू 399। अब इसको तरह तरह से आप कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10% 210 और 2% 42, 10% 210, 2% 42, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हुआ, ये कितना हुआ, 253 हुआ, 253 हुआ, ऐसे करते हुए 253 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 147। व्हाट परसेंट ऑफ 350 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, टू से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ओर। अगर टू से करेंगे तो ये 700 होगा, 700 होगा, 700 होगा, 700 होगा। 100% किसका है, 42 का ही ना, 100% 42 होगा आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है। एक ओवरऑल लुक होना चाहिए क्वेश्चन को देखने का। अगला सवाल, नेक्स्ट, इसको देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या अप्रोच होना चाहिए। 2.5 डिमांड करता है कि इसे 4 दिया जाए, 4 इससे निकाल के दे दीजिए तो 3 काम ही हो गया। तो 3.07 जो हम बोलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे क्यों ना बोलेंगे, बताता हूं। असल में हम लोग इसका 3.07 इंटू 4 ऐसा समझते हैं। ऐसा समझने से क्या होता है, हम लोग इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर ये काम मन में होता है। दैट मीन्स कि 30.7 होगा कि नहीं, मन में बताइए, होगा कि नहीं। इसको भी वैसे ही करते हैं, 13 इंटू 12, 156, बस, 15.1 आंसर, 15.1 आंसर। बताता हूँ इसको कैसे किया, 6.5 है ना, हमने इसको 2 into 1.2 लिया। ऐसा करने से ये 13 into 1.2 है, हमने 12 समझा और 12 से मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, इसलिए हमने ऐसे किया। बोलिए ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ, ये 3/7 है ऑफ 4/5 है ऑफ 5/8 है ऑफ 490 इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट छोड़िए, व्हाट छोड़िए। हाँ, सबसे पहले हमें जो दिखता है, जो करने का है, ये 5 तो खैर कैंसिल है और ये 7 से तो आप अवश्य कैंसिल करेंगे। अब आप इसको जरूर कैंसिल करें, लेकिन इससे कैंसिल ना करें, इसको बोलिए 210/2 यानी 105 आंसर, क्योंकि ये थोड़ा खराब नंबर बन जाएगा, इसलिए हम इसको कैंसिल ना करके आपस में मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करना चाहते हैं। सो बेस आंसर, बोलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 into 2, ये वाला फैक्टर जो है ना, 9 into 2 बोलेंगे 23/9 into 19/5 plus what is equal to, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये रहने दीजिए,
ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, एक तो फ्रैक्शन है 45, 5, 9 ऐसे करके है, ठीक है, इसमें कोई आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेन पार्ट ये है। वैसे इन जनरल क्या होता है, ये देखिए दोनों ऊपर का प्राइम नंबर है, तो आप क्या करेंगे? बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं बताता हूँ। अगर ये 20 होता तो 23 × 20 460 होता, 23 लेस, हम इसे लिखते हैं 450 − 13। ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा करते ही 10 − 13 / 45 हो जाता है, और ये जबरदस्त बात है, ये जबरदस्त बात है, ये जबरदस्त बात है। बताता हूं कैसे, कैसे बताता हूं, सॉल्व कर लेते हैं तो बात करते हैं, बाकी काम कर लेते हैं। प्लस व्हाट है ना इज इक्वल टू 12, इसे भी हम 9 से मल्टीप्लाई करके 9/45 करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, 12 में लेस होगा 2, और ये ऐड होगा तो 22/45। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था, मैं बताता हूं आखिर ये हुआ कैसे। ये देखिए, बोलिए ये समझ में आ रहा है? दरअसल इसमें हुआ क्या, ये हमने ऊपर नीचे तो 45 है, ये तो 5 × 9 है, ये तो आप समझ रहे हैं, हमने इसको 23 × 20 − 1 समझा। ऐसा करने से 460 − 23 हुआ, लेकिन यहाँ 45 है, तो हमने 450 − 13 ऐसे कर दिया, और ये वैल्यू क्या है 45, 45 से जब 450 को डिवाइड करेंगे, और इसको जब 45 से डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन का ये मेन अट्रैक्शन है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर देखिए। सिक्स्थ नंबर में क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये जो है स्क्वायर रूट है, 17 स्क्वायर को 289 लिखते हैं, 289 लिखते हैं, ऐसे 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 प्लस है ना, 289 लिखते हैं, और इधर 335 है, अगर दोनों ओर 11 ऐड कर दें तो ये 300 न उड़ जाए, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 46 का स्क्वायर न हो जाए, हाफ ऑफ द बेस −4 42 20 116 आंसर, हाफ ऑफ द बेस। याद आ रहा है हाफ ऑफ द बेस का मतलब कि 46 × 46 ये जो है कैसे करते हैं, याद आ रहा है। ये मैंने हाफ ऑफ द बेस रूल में बताया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, बिना कॉपी पेन के आप उसको सॉल्व करते थे 2116, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, 125% ऑफ 560, असल में इसमें ठीक है 5 से हैं, 8 भी है, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, करके दिखाता भी हूँ, लेकिन होता यह है कि रूल हमारे लिए होता है, हम लोग रूल के लिए नहीं होते। सारे रूल ठीक हैं, सब ठीक है, लेकिन जब 125% आएगा, जब 125% आएगा तो हमें मन करेगा कि 100% तो है ही ना 560, 1/4 तो हम जानते ही है ना 140, तो हम 700 क्यों ना लिखें 700 क्यों ना लिखें, और 22% जब आएगा तो हम 11% ऑफ 900 यानी कि 99 क्यों ना लिखें, तो 799 आंसर क्यों ना हो। बोलिए
लेकिन एक बात है, मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए, 5 को 1-2 चाहिए, 25 को 2-2 चाहिए, 125 को 3-2 चाहिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर हम 125%, अगर कोई टफ सिचुएशन होता तो हम लोग ज़रूर यही करते। यहाँ भी कीजिएगा, ज़बरदस्त होगा। 8 निकाल दीजिए, 1000 हो जाएगा, और 8 निकालेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो क्या 100% ऑफ 700 ना होगा? ना होगा। ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है? ये लिखा गया, रुकिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का है, सभी लोग कर लेंगे, लेकिन मन करता है आम खाऊं। 14 आम, देखिए, 9 आम, 5 आम, 5 आम, 5 आम। देखिए ऐसा है, जब बोले 5 आम, तो आम किसको बोले, दिखाता हूँ, बताता हूँ। 49 प्लस 16 प्लस 169, यहाँ सब कुछ है, मैं बताता हूँ। मैंने कहा 14 × 10, मैंने कहा 9 × 10, मैंने कहा ये वाला 49 प्लस 16 प्लस 169, ऐसे था ना। अगर हम ये लिख लेते हैं, मान लीजिए, तो दरअसल इस नंबर का स्वरूप क्या हो जाता है, नेचर क्या हो जाता है, देखिए दिखाता हूँ। हम लोग 16 को उठाते हैं, 1 इसे देते हैं, 1 इसे देते हैं, 170 प्लस 50 हो जाता है, 220 प्लस 14, नहीं समझे? वो तो आगे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 220 प्लस 14 234। लेकिन ये हुआ कैसे? हमने इसको 50 बनाया, हमने इसे 170 बनाया मन में, प्लस इसे 14 लिखा। देखिए क्या हो गया स्वरूप नंबर का। तो ये क्या हुआ, 5 × 10 है, रहने दीजिए, क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ और कुछ होना नहीं है सिवाय इसके। दैट मीन्स कि 25/117 इज आंसर, क्योंकि 13 × 9 है, ऊपर कोई फैक्टर नहीं है, तो आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसा है 9th नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा। एक बात तो ये है कि ये 13 × 13 and 4/7 है, रहने दीजिए, प्लस इसको तो हम सॉल्व करेंगे 37/7, जल्दी बोलिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 37/7 × 5/2, ये तो है। अब तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करें, 14 बना के टेबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, 37/5 जा, ठीक है आसान है, 185 कर लेंगे, लेकिन पसंद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ क्या करेंगे, 14 2 जा बोलेंगे, 14 2 जा बोलेंगे, 28 2 × 5 10, बताता हूँ कैसे, 28 का मतलब 9 × 5 45/14। ऐसा करने से काम ही आसान हो जाता है। ये भी 13 3/14, मतलब सब मन में होता है और फिर कुछ रहता नहीं है। ये वाला 26 और ये वाला, ध्यान रहे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 8 and 3 11/14 आंसर, ऐसे 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 ऐसे, देखिए देखिए देखिए, 26 and 11/14। मैं बताता हूँ हुआ क्या, ठीक है, मैं बताता हूँ हुआ क्या। असल में क्या है, ये 14 है ना, 14
14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 37 है ना, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 28, आप ऐसे समझ लीजिए, रुकिए, आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि 14 से आपने डिवाइड किया किसको, 37 को, तो क्या आएगा 2 and 9 by 14। इसी काम को हम मन में करते हैं, इसी काम को दरअसल हमने मन में किया 10 and 45 by, क्लियर, ये वाला यहाँ से यही आया, समझ गए, इसको डिवाइड किया तो ये लिखते नहीं है, ये समझ चुके होंगे, ठीक है, उसके बाद तो समझ रहे क्या है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10th नंबर क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए, हाँ तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर हाँ नहीं था, नन ऑफ दिस था, ठीक है, नन ऑफ दिस। 10th नंबर देखिए, मैं बताता हूँ, इसको लिखता हूँ 18.76 प्लस 222.24 प्लस 3242.15, ठीक है, इसको ठीक है। अब आप देखिए, एक ओवरऑल लुक होना चाहिए, लुक ये कहता है की 18 और 22 को तो मैं लूंगा, और जैसे ही 40 होगा मैं 42 को भी लेकर के 82 तो बोलूंगा, और ये 32 और 2 3400 होगा, 26 और 24 मिलके 1 होगा, 0.15 ना होगा, 3483.15 होगा कि नहीं, 3483.15। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं एक सोच रहा हूँ, क्लासेस तो जो चल रहे हैं चलेंगे ही, एक 2 मिनट का मैं टाइमर के साथ टेस्ट का वीडियो बनाता हूँ, आपको कैसा लगता है देखते हैं। एक पर्दा रहेगा, मैं बोलूँगा अब स्टार्ट होता है, पर्दा हटेगा, क्वेश्चन दिखेगा, टाइमर ऑन करूँगा, मैं हट जाऊँगा, 2 मिनट्स के बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा आपका टेस्ट ओवर होगा, मैं पर्दा गिरा दूँगा, आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और वो मैं पहला देता हूँ आपको, और अगर वो पसंद आया तो रोज़ मैं या तो सुबह सुबह ही दे दिया करूँगा, सो के उठी एक टेस्ट दे दीजिए 2 मिनट्स का बेड पर, या फिर शाम में, जैसा भी आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं देखूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।